दिल्ली में एक बार फिर यमुना में उफान, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 2 लाख क्यूसेक पानी, तेजी से बढ़ रहा है यमुना का स्तर। आज शाम तक दिल्ली पहुंच सकता है हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी। खतरे के निशान से 1.47 मीटर नीचे बह रही है यमुना, 205.33 मीटर पर है यमुना में खतरे का निशान। शाम तक 206 मीटर तक पहुंच सकता है यमुना का पानी। हिमाचल उत्तराखंड में बारिश मूसलाधार, सैलाब से हाहाकार। सोलन में हाईवे धंसने से हड़कंप। सोलन में 4 लेन टनल को जोड़ने वाले फ्लाईओवर का एक हिस्सा ढह गया। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर हादसा, फ्लाईओवर के मलबे के साथ गिरी 2 गाड़ियां। हादसे के बाद टनल वाले मार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप। पुणे में भी सैलाब का सितम, मूठा नदी में उफान, तमाम इलाके डूबे। बाढ़ की चपेट में आई गाड़ियां, 5 सवारों सहित पानी में फंस गई एक कार का रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाला गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से बिगड़े हालात, 2 लोगों की मौत। रामबन में लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश, लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने से हाईवे बंद। हिमाचल में 2 जगहों पर बादल फटने से भारी तबाही। बागेपुल में बादल फटने से 20 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त। कुल्लू के आनी में भी बादल फटा, सैलाब में बह गई कई दुकानें। कुल्लू में एक मकान भी ढह गया, हादसे में 60 साल के बुजुर्ग और 16 साल की युवती की मौत। महाराष्ट्र में भी बारिश का कहर, अगले 5 दिनों तक कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। राजस्थान में 2 दिनों से जबरदस्त बरसात, अजमेर, अलवर, भरतपुर सहित 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में भी आसमान से बरसेगी आफत, अगले 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना। पुणे की मूठा नदी में छोड़ा गया 26,000 क्यूसेक पानी, तेज धार में बह गई कार। जबकि चंद्रपुर में बारिश और बाढ़ से हाहाकार, 48 घंटे से बंद है चंद्रपुर तेलंगाना मार्ग। हिमाचल के मंडी में चलती बस, ट्रक और जीप पर पत्थरों की बरसात। विदिशा में कागपुर नदी के पुल पर 2 फीट पानी ऊपर से बह रहा है, बेतवा नदी उग्र उफान पर। हैदराबाद में नागार्जुन सागर डैम ओवरफ्लो, 26 गेट खोलकर छोड़ा गया पानी।